नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने देखा एयर फिल्टर खराब होने के बाद अगर उसे चलाते रहें तो गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि एयर फिल्टर को कितना दिन के बाद चेंज कर देना चाहिए और एयर फिल्टर अगर आप बीच बीच में समझो जब आप ऑयल चेंज करेंगे वो टाइम में गाड़ी का सर्विस करेंगे, ऑयल चेंज करेंगे और एयर फिल्टर को उस टाइम अगर हवा मार के ले लेंगे तो इस तरह से हवा मारने से इसका जो लाइन है वो क्लियर होते जाएगी और इसके अंदर जो मिट्टी की परत जब अंदर जो बैठ जाती है अगर वो परत न बना पाए उसके पहले हवा मार के इसे क्लीन कर दें और उसकी मिट्टी निकल जाए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं। तो इसे कब चेंज करना चाहिए तो आपको इसमें देखेंगे कि हवा मारने से अगर ये क्लीन हो जाती है और बीच बीच में अगर आपने हर 5000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद इसमें हवा मार के क्लीन कर लिया है तो इसे आप एक साल में, जैसा कि अगर कुछ शहर में ऑटो दिन और रात दोनों शिफ्ट में दो ड्राइवर चलाते हैं, अगर एक एक ड्राइवर 100-100 किलोमीटर चला तो 200 किलोमीटर अगर गाड़ी चल रही है तो एक महीने में 5 दिन अगर छुट्टी निकाल देते हैं गैरेज में काम या छुट्टी वगैरह जो भी है तो 25 दिन अगर महीने में गाड़ी चल रही है तो एक महीने का 5000 किलोमीटर होता है तो साल का 60000 किलोमीटर हो जाता है। तो ये हिसाब से एक साल में 60000 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो 2 साल में 120000 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है। तो ये कम से कम आप 1.5 लाख किलोमीटर के बाद एयर फिल्टर चेंज करेंगे, अगर एयर फिल्टर ठीक है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हिसाब से आप किलोमीटर और टाइम दोनों देखिए, सिर्फ टाइम मत देखिए। अगर गाड़ी कम चल रही है, कम रनिंग है तो समय ज़्यादा बढ़ जाएगा और गाड़ी का ज़्यादा रनिंग है तो समय कम हो जाएगा। इस हिसाब से आप अपने गाड़ी का एयर फिल्टर चेंज करें और इसे बीच बीच में साफ़ करते रहें तो ज़्यादा समय तक आप इसे चला सकते हैं। इस वीडियो में बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।